हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले दोबारा से बढ़ने लगे हैं। पंजाब में बढ़ रहे कोरोना मामलों पर भी हिमाचल सरकार चिंतित है, जिसको देखते हुए ऊना का मैड़ी मेला आने वाली भीड़ पर नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कोविड-19 वैक्सीनेशन व RT-PCR टेस्ट को बढ़ाने की बात कही। वैक्सीन की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, इस पर भी प्रधानमंत्री ने बल दिया। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने को भी कहा गया है। कंटेनमेंट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने को भी कहा गया है, ताकि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में होने वाले मेलों में SOP का पालन किया जाएगा। पॉलिटिकल और अन्य समारोह पर रोक को लेकर 2-3 दिन के अंदर स्थिति को देखते हुए ही निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब में कोरोना के मामलों को देखते हुए ऊना मेले में श्रद्धालुओं के आने पर सख्ती बरती जाएगी, जिसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी। शेड्यूल जो प्लान किया गया है उसके मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक तो ये, इसके बारे में फीडबैक। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण विषय उसमें यह था कि कुछ प्रदेशों में बहुत ज्यादा स्पाइक आ गया कोविड-19 का पिछले दिनों में, और जिसमें उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री से बात की। बाकी सारे चीफ मिनिस्टर, सिर्फ 7 चीफ मिनिस्टर से बात हो पाई, बाकी तो लिस्टिंग मोड में थे। आज आने वाले समय में किस प्रकार से इस की तैयारी करनी है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े सख्त और साफ संदेश दिया है। आज एक तो वैक्सीनेशन के इस अभियान को कहा कि इसको तेज गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इसको तेजी से बढ़ाइए। जिन प्रदेशों में स्लो चल रहा है उन प्रदेशों में विशेष तौर से उन प्रदेशों के नाम लेकर के आग्रह किया है। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश हमारा ठीक चल रहा है। दूसरे, पिछले कुछ अरसे में बहुत बड़ी कमी आई है टेस्टिंग में, और टेस्टिंग में जो कमी आई है उसमें RT-PCR की टेस्ट में जो है वो बहुत बड़ी कमी पाई गई थी। कैजुअलनेस, यानी कि हमारा जो फ्रंट लाइन में हमारे पर्टिकुलर जिनको हम बोलते हैं जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर है, उनको विशेष तौर से कहा कि उनको प्रोत्साहित करें कि वो कोविड के टेस्ट को और इसमें बहुत जितनी कैपेसिटी आपकी है उस कैपेसिटी को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। तीसरी बात, वैक्सीन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि वैक्सीन का अभिप्राय ये नहीं है कि आप बिल्कुल कोरोना के इस सारे से बिल्कुल मुक्त हो गए। वो एक उपाय है, जैसे मास्क है एक उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग एक उपाय है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उपाय, कारगर उपाय है, वो वैक्सीन है। इसलिए वैक्सीन के इस अभियान को पूरा करना ही है और उसको तेज गति से आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस बात के लिए एक और विषय भी आया कि कुछ एक प्रदेशों में ये भी स्थिति देखी गई है कि वैक्सीन की वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही है। 10% जो है वो वेस्टेज आ रही है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल उसमें लोएस्ट नंबर पर है। हम 1.4 पर है, यानी कि 2% से भी कम है, सबसे कम वेस्टेज है हमारे हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन की। तो इस पर भी हमने चिंता, क्योंकि इस पर पैसा खर्च हुआ है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, वैक्सीन की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। इसके अतिरिक्त जो हमारे जो बताए गए, जो पिछले एक साल से हम बार बार कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद पर्टिकुलरली ये मास्क लगाना, ये इन बातों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने विशेष आग्रह किया कि इस अभियान में ढिलाई आ गई है और इसको कड़ाई से इसको लागू करने के लिए जोर दीजिए। फिर उसके बाद और चीजों पर जो एक विशेष आग्रह किया है कि बहुत ज्यादा अफरा तफरी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हम इसके कारण सारे सिस्टम में इसमें शोर डाल दें और जिसके कारण फिर इकोनॉमी प्रभावित हो, वो भी जरूरत अभी तक इस तरह की नहीं है। लेकिन जहां ज्यादा केसेस निकल रहे हैं तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाई जाए, उसमें वो बना करके आप जो है उस एरिया को फोकस करें और कोशिश करो कि भी वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए उस नंबर को, थोड़ा सा मूवमेंट को उस एरिया में, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी स्वाभाविक रूप से आपको उसका लाभ रहेगा। और एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर उन्होंने कहा
क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जब मामलों में गिरावट आई, मामलों में कमी आई, उसके बाद क्या हो गया कि लोगों ने बहुत कैजुअली लेना, यानी कि जो पॉजिटिव कोई टेस्ट में पाया गया, तो उसके बाद फिर जो कांटेक्ट ट्रेसिंग की जो हिस्ट्री निकाली जाती थी, आप किसको मिले, कब कब आप कहाँ गए, कैसे गए, किससे मिले, वो कांटेक्ट ट्रेसिंग में जा ही नहीं रहा कोई आदमी। तो उसमें बहुत बड़ी कमी आई है इस बीच में। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को फिर फोकस करिए ताकि ज्यादा इसको स्प्रेड होने से, इसको बढ़ने से, संक्रमण को रोका जा सके, इन पॉइंट्स पर फोकस होकर के बातचीत हुई। लेकिन काफी अच्छी बात हुई है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आने वाले समय में अगर कोविड के मामलों में इसी प्रकार से ये सारी चीजें रहेगी तो प्रधानमंत्री जी ने अपना कंसर्न शो किया, दोबारा बैठेंगे, दोबारा बात करेंगे। जो तो बन करके आना होता है वो भी, और अभी मुझे मालूम पड़ा कि ऊना में एक बहुत बड़ा मेला होता है, मैरी मेला, जिसमें लगभग काफी 15-16 लाख से ज्यादा लोग उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके लिए हमने, हालांकि कैबिनेट में हमने एक डिसीजन लिया था कि उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस करें, एसओपी बनाने के लिए हमने बोल दिया है। एक रोकना, एक मेले को रोकना वो संभव ठीक संभव नहीं है, और ठीक भी नहीं है, उचित भी नहीं है। मेले रोकने तो फिर सब 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 रोकने पड़ेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली वहां सारा का सारा जो जो श्रद्धालुओं का नंबर आएगा वो सारा पंजाब से आएगा, और पंजाब में इस वक्त केसेस ज्यादा बढ़े हैं। ऐसे में हमने वहां पर एसओपी को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला हुआ है, और मैं वहां के पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी आज बात करने वाला हूँ इस सिलसिले में, कि कम से कम मैडी मेले के लिए जो जिस प्रकार से वो ट्रकों में वो लोग तह लगा आते करके आ जाते हैं, एक एक ट्रक में 100-100 लोग आ जाते हैं उसमें, तो उसको थोड़ा सा किस तरह से रोका जा सकता है। धार्मिक भावनाओं को हम सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी संकट ये अलग तरह का है, उसमें थोड़ी सी परहेज करने की बात करेंगे। सर।